हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन्नपूर्णेश्वरी पाकशाला में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, घर में रहिए और इस लॉकडाउन में बनाइए छेना पूड़ा। दोस्तों यह है छेना पूड़ा, बहुत ही टेस्टी होता है। तो दोस्तों दिखने में आपको ये बिल्कुल केक की तरह लग रहा होगा, पर ये केक नहीं है दोस्तों, ये ओडिशा का फेमस डिज़र्ट है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है देखते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और ये 2 चम्मच विनेगर है और इसमें मैंने 2 चम्मच पानी मिलाया है। तो दूध को मैंने गर्म कर लिया है, तो ज़्यादा बिल्कुल गर्म मत कीजिएगा, हल्का सा गर्म करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालते जाइएगा, एक एक चम्मच करके। तो इस तरह करने से दूध एकदम से नहीं फटेगा और पनीर ज़्यादा कड़क नहीं बनेगा। तो देखिए दोस्तों दूध फट चुका है, तो इसके अंदर का पनीर हम एक साइड में निकाल लेंगे। तो इसे बिल्कुल प्रेस नहीं करना है, इसे लिक्विड ही ऐसे ही रहने देना है पनीर को। और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच देसी गाय का घी लिया है, अगर घी है तो घी डालिएगा, नहीं तो ऑयल डाल सकते हैं आप, चलेगा। और शुगर लिया है दोस्तों 100 ग्राम। तो दोस्तों आप शुगर की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सूजी लिया है 50 ग्राम। तो सूजी डालने से इसका टेस्ट और भी उबर के आएगा, फूलेगा, सूजी डालने से फूलेगा। और ये है बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है मैंने, और किशमिश, और ये है कार्डमम पाउडर 1/2 टीस्पून, और कैशू। तो सब पनीर को अच्छे तरह से हमें मसल लेना है, तो इसे बिल्कुल अच्छे से मसल के आप बिल्कुल पेस्ट की तरह बना लेना है। अगर इसमें एक भी दाना रह गया तो छेना पूड़ा सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसे अच्छे तरह से, अगर आप चम्मच से इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप हाथ से ही अच्छे से मसल लीजिएगा, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेना है। तो इसमें अभी मैंने डाल दिया सूजी, और सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो सूजी को मैंने मिला लिया, तो इसे हमें कम से कम 20 मिनट तक ढककर रखना है ताकि अच्छी तरह से फूल जाए और टेस्ट करके ये जो मिक्सचर है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो 20 मिनट हो चुके हैं, तो अभी इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम डालेंगे। तो किशमिश डाल दिया, साथ में कैशू, इलायची का पाउडर, शुगर, सब डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप घर पर बैठ के आप इस तरह का छेना पूड़ा बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी रहेगा और साथ में ये हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो सब कुछ डालने के बाद इसके ऊपर अभी हम डालेंगे घी, तो घी नहीं है तो ऑयल डालिएगा दोस्तों, चलेगा। और लास्ट में अभी हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर आपके घर में है तो डालिए वरना चलेगा। बेकिंग पाउडर डालने से एक केक की तरह फूलेगा, इसलिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है मैंने, अगर है तो डालिए वरना चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस डिश है। तो इस तरह का केक का टीन लिया है मैंने, तो इसके नीचे मैंने घी लगाकर तैयार कर लिया है। तो आपके पास जो केक बनाते वक्त जो इसके नीचे बटर पेपर लगाते हैं ना, वो है तो डालिएगा, तो इसे जल्दी से निकल के आएगा छेना पूड़ा। तो इसे मैंने इसमें डाल दिया और ये सेट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है बड़ा सा, तो इस तरह का मोटा सा बर्तन लीजिएगा, और इसमें मैंने डाला है नमक, और इसके ऊपर इस तरह का कोई स्टैंड रख देंगे, और ये छेना पूड़ा का टिन रखकर इसे हमें कम से कम 40 मिनट तक पकने के लिए छोड़ रहा है, पर बीच में मैं इसे एक बार निकल के देखूंगी 20 मिनट के बाद। तो ये 20 मिनट हो चुके हैं, अभी ये इस तरह का हो चुका है, तो लगभग पक चुका है, पर ये पूरा ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों बनकर तैयार है बिल्कुल छेना पूड़ा, बहुत ही टेस्टी यम्मी छेना पूड़ा बनकर तैयार है दोस्तों। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब।